हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑफिशियल पेज ऑफ संख्यान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ फैमिली ऑफ लर्निंग आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी माय नेम इज कार्तिक पाउंडे एंड आई एम द को फाउंडर एंड फिजिक्स फैकल्टी इन संख्यान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन वेक्टर्स इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि वैक्टर्स क्या है और कितने प्रकार के वैक्टर्स होते हैं इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडिशन एंड सब्टशन ऑफ तो इस चैप्टर में हम देखेंगे तीन तरह के लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दैट इज ट्रायंगल लॉ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये तीनों डिफरेंट लॉज नहीं है बट एक ही लॉ का एक्सटेंशन है आप देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को ही अगर थोड़ा हम मॉडिफाई करें तो वो एक दूसरे लॉज में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन इनको इन तीनों को हम एज अ सेपरेट एंटिटी पढ़ते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत जगह होता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस हम इनसे आसानी से समझ सकते हैं

उसी तरह वेक्टर बी के साथ भी है तो आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है कि वेक्टर बी को ऐसे मूव करिए कि वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड से कंसाइड कर जाए तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं ये देखिए सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर दिए दिस इज वेक्टर ए Now I am shifting vector 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 b b such that the the tail of vector b the of coincides with head a. ट्रांसलेट करें तो वैक्टर में कोई चेंज नहीं होता है तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वैक्टर बी को ऐसे शिफ्ट करिए कि वैक्टर बी का टेल और वैक्टर ए का हेड कंसाइड कर जाए सेकेंड स्टेटमेंट देखिए द सम ऑफ वैक्टर ए एंड बी रिटर्न एजर ए प्लस बी डिफाइंड बाई अ वैक्टर फ्रॉम द टेल और इनिशियल पॉइंट ऑफ वैक्टर ए टू दैड और टर्मिनल पॉइंट ऑफ वैक्टर बी तो ये कह रहा है कि आप वैक्टर ए के टेल को और वैक्टर बी के हेड को एक वैक्टर से ज्वाइन कर दीजिए जब हम इसको एक वैक्टर से ज्वाइन करेंगे दिस तो ये वैक्टर हमें रिजल्टेंट दे देगा वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी तो सम ऑफ को हम रिजल्टेंट बी बोलते हैं रिजल्टेंट इज़ इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिस इज दाइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए हम प्रूव करेंगे ए प्लस वेक्टर बी इज आल्सो इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कैसे देखिए अभी हमने देखा कि दिस इज वेक्टर ए एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए वी आर ड्राइंग वेक्टर

टेल से वेक्टर ए के हेड तक तो ये देखिए ये जो रिजल्टेंट मैंने लिया है ये सेम आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैं रेड में दिखा रहा हूँ दिस इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए तो हियर यू कैन प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव दैट इज ऑर्डर इसमें कोई मैटर नहीं करता है आप ए प्लस बी एड करिए बी प्लस एड करिए रिजल्ट सेम आएगा एज्यूम करिए कि दो पॉइंट से बेटा एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी इन दोनों को ए के स्टार्टिंग से बी के एंडिंग से एक वेक्टर से ज्वाइन कर दीजिए इसे हम कहते हैं वेक्टर ए बी तो वेक्टर ए बी क्या है वेक्टर ए बी सिंपली मीन्स वेक्टर ए बी means displacement from point A to point B. तो ये vector AB है. दूसरा point ले लीजिए C. इस BC को join कर दीजिए. ये बन जाएगा vector BC. जब हम A और C को बेटा join करेंगे एक vector से, starting from the tail of vector A to the head of vector C. तो ये हमें वेक्टर मिल जाएगा ए सी तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर डिशन से आप देख सकते हैं कि ए सी जो है दिस इज इक्वल्स टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी अब बेटा हम लोग पढ़े थे नेगेटिव ऑफ वेक्टर व्हाट वाज नेगेटिव ऑफ वेक्टर नेगेटिव वेक्टर था एक वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का बट उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए तो यहाँ हम एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं सी ए तो सी ए जो होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी के बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो दिस विल बी दिस सी ए वक्टर तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा सी ए वैक्टर होगा दिस सी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए सी वैक्टर क्या हम लिख सकते हैं ए सी वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी ए वक्टर तो अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में ए सी की जगह माइनस सी ए सब्सिट्यूट कर दें तो वो मिलेगा माइनस ऑफ सी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वैक्टर प्लस बीसी वैक्टर तो यहाँ से आ गया ए बी वैक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वेक, बेटा वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और सारे वेक्टर्स इन ऑर्डर हैं और अगर इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर द फाइनल टर्मिनल पॉइंट ऑफ फाइनल तो इट मीन्स वेन वैक्टर तो हम इसको नोट करके यहाँ लिख ले रहे हैं कि वेन एडिशन ऑफ वेक्टर्स वैन एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर एंड इफ द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट कंसाइड्स द रिजल्टेंट इज जीरो था ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन

वेक्टर 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 ए प्लस बी तो ये है लॉ ऑफ एडिशन जिसमें अगर हम दो वेक्टर्स को पैरोग्राम के दो एडिशन साइड से शो करें तो जो रिजल्टेंट है वो इस पेलोग्राम का डायगनल बन जाएगा और वो डायगनल उसी कॉमन पॉइंट से पास करना चाहिए अब देखिए ट्रायंगल ट्राइंगल वेक्टर एडिशन का एक्सटेंशन कैसे है ध्यान से देखिए आप है। जानते हैं कि अगर हम वेक्टर बी को स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर दें पैरेलल विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो देखिए ध्यान से इस बी को अगर ये पेरलोग्राम है तो ये हमारा वेक्टर ए था और जो वेक्टर बी जो बेटा पहले इस जगह पे था अगर उसे हम यहाँ शिफ्ट कर दें इस जगह पे वेक्टर बी तो आप देखिए दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी दिस डायगोनल इज अगेन फॉर्मिंग द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देखिए सेम है बिल्कुल ट्राइंगल लॉ की तरह या फिर उल्टा करिए वेक्टर बी को आप यहाँ शिफ्ट करिए वेक्टर बी और इस वेक्टर ए को पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर दीजिए इस वेक्टर ए को पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर दिए तो बी प्लस ए वेक्टर इज अगेन द सेम डायगनल तो यहाँ से भी हम प्रूफ कर सकते हैं वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों बिल्कुल एक ही जैसे ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन पे क्या है पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन? ये लिख रहा, दिस vectors, तो इसे हम दो से ज्यादा वेक्टर्स को एड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन दिस द इनिशियल पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर लाइज ऑन टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर यहां देखिए सपोज वी आर टेकिंग मोर वेक्टर्स एज्यूम करिए कि ये एक वेक्टर बी है ये, वेक्टर B है, ये वेक्टर C है और ये वेक्टर डी है अब हमें इन सारे वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप क्या करिए सबसे, सबसे पहले अरेंज करना स्टार्ट करिए सबसे पहले बनाइए अब कह रहा है कि द इनिशियल फॉर्मर वेक्टर दैट इज वेक्टर ए तो वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट वेक्टर ए के टर्मिनल पॉइंट से कंसाइड कर दीजिए दिस इज वेक्टर। फिर क्या कह रहा है वेक्टर सी है तो सी का इनिशियल पॉइंट बी के टर्मिनल पॉइंट से कंसाइड कर दीजिए दिस इज वेक्टर सी और डी का इनिशियल पॉइंट सी के टर्मिनल पॉइंट से कंसाइड कर दीजिए दिस इज वेक्टर डी अगर और सारे वेक्टर्स हैं तो सेम ऑर्डर में फॉलो करते जाइए तो अब देखिए ट्राइंगल ऑफ एडिशन से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी तो अगर ए के इनिशियल पॉइंट और बी के टर्मिनल पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं एक वेक्टर से, दिस वेक्टर, तो ये हमें मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये एक इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गया अब उसी तरह अगर हम ए प्लस बी को एक अलग वेक्टर माने क्योंकि ए और बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी मिल गया तो ए और बी को भूल जाइए अब a plus b एक वेक्टर हो गया तो वेक्टर a plus वेक्टर b और वेक्टर c अगर फिर से ट्रायंगल लॉ से इन दोनों को हम ऐड कर दें तो इसका इनिशियल पॉइंट और c का टर्मिनल पॉइंट ये हमने जॉइन कर दिया तो ये जो हमें मिला ये मिला वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c ये एक सेपरेट वेक्टर हो गया a plus b plus c तीनों ऐड हो गए अब अगर हम उसी में देखें ए प्लस बी प्लस सी एक सेपरेट वेक्टर हो गया और उसको ऐड करना वेक्टर डी से तो आप इसके इनिशियल और उसके टर्मिनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको जो वेक्टर मिलेगा दिस वैक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस वेक्टर डी तो दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो इट इज यूज टू एड मोर देन टू वेक्टर्स तो इसी में आप देख सकते हैं कि अगर आ, आखिरी वेक्टर या लास्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सबसे स्टार्टिंग वाले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को कोन्साइड कर दे तो वापस रिजल्टेंट हमारा जीरो हो जाएगा क्लियर है दिस वाज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो ये बेटा सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थे अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे दैट इज डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर एडिशन तो इसमें हम दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे और फिर उसी तरह पहले दो को ऐड करेंगे फिर तीसरा होगा तो फिर उसको तीसरे से ऐड करेंगे फिर एक नया वेक्टर मिलेगा चौथे से ऐड करेंगे ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो एक्सप्रेशन देखते हैं सपोज दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी लेंथ ऑफ वेक्टर ए हमें ए का मैग्नीट्यूड दे देगा तो जो स्मॉल ए से हम केवल मैग्नीट्यूड शो करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्मॉल बी से हम शो करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ऑफ राइटिंग ठीक है तो अब देखिए अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एज्यूम कर लेते हैं दिस इज वेक्टर सी ठीक है अब बेटा हमें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना ताकि हमें बार बार ड्रॉ ना करना पड़े और बार बार लेंथ मेजर ना करना पड़े तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स में हमने देखा था कि अगर किसी भी वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो या तो आप उसके टेल टेल और तेल को कंसाइड कराइए या दोनों के हेड को कंसाइड कराइए तो अगर टेल कंसाइड कराना तो दिस इज वेक्टर बी तो आप अपने मन में अपने दिमाग में इस वेक्टर ए को आगे शिफ्ट कर दीजिए तो जब वेक्टर ए को आगे शिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा तो अब टेल टेल कंसाइड कर गया तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी तो थीटा विल द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ठीक है ये एंगल हो गया और वेक्टर सी जो कि रिजल्टेंट है इसका लेंथ हमें मैग्नीट्यूड दे देगा तो सी विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अब हमें निकालना है इसका एक्सप्रेशन चलिए इसे नाम देते हैं कुछ भी एग्जाम्पल सपोज दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी ये तीनों पॉइंट्स हो गए ए बी सी ट्राइंगल बन गए और आप सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इस वेक्टर ए के एक्सटेंशन पे दैट इज ए बी के एक्सटेंशन पे इसे मान लीजिए डी ठीक है तो अब हम आते हैं इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी सी डी दिख रहा आपको ट्राइंगल बी सी डी बिल्कुल ठीक है तो जो बी सी है उसकी लेंथ है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज बी तो साइड लेंथ बी सी जो है हमारा दिस इज स्मॉल बी अब साइड सी डी और साइड लेंथ बी डी निकालना है तो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी तो यहां से सी डी की लेंथ मिल गई दैट इज बी सी साइन थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू बी हमारा क्या बन जाएगा बी हमारा बन जाएगा b साइन थीटा तो हमें ये साइड की लेंथ मिल गई दिस इज b साइन थीटा उसी तरह अगर ये हम cos थीटा लिखें तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी सी दैट इज hypotenuse अपॉन तो बी डी की लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी बी सी थीटा तो बी डी की लेंथ हो गई हमारी बी सी दैट इज बी थीटा तो ये जो लेंथ हमारी हो गई ये बन गई कॉस थीटा ठीक है अब आइए ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी डी इस ट्राइंगल में आइए ए सी डी तो अगर ए सीडी में थ्योरम का इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं एसी साइड ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर तो ये जो ए सी का स्क्वायर है ये हमारा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बनेगा तो इसे हम सी स्क्वायर लिख देते हैं और ए डी हमारा बन जाएगा ए बी प्लस बी डी तो ए बी की लेंथ है ए और बी डी की लेंथ है बी थीटा तो ये बन गया ए प्लस बी थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी डी के लेंथ है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर तो यहां से सी स्क्वायर हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब देखिए बी स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा ये बी स्क्वायर बन जाएगा तो सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा तो ये हमें सी स्क्वायर मिल गया यहाँ से हमारा सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा तो यहाँ से हमें वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया दैट इज लेंथ ऑफ वेक्टर सी तो अगर बेटा हमें दो वेक्टर्स के बी का मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है तो हम उसके रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं तो फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे दिस वॉज वेक्टर ए दिस वॉज वेक्टर बी और ये था रिजल्टेंट ए प्लस बी जिसको हमने मान लिया था वेक्टर सी ये था हमारा बी कॉस थीटा ये एंगल थीटा और ये बी साइन थीटा ए बी सी डी तो ये देखो बेटा ये हमें सी का मैग्नीट्यूड मिला अब बेटा हमें डायरेक्शन चाहिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन का मतलब एंगल हम बता दें अगर लेट दिस एंगल सपोज अल्फा है तो हमें ए की डायरेक्शन पता है तो बेटा अगर हम बता दें कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए से इतने एंगल पे इंक्लाइंड है या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें मालूम चल जाएगा कि सी की डायरेक्शन किधर है तो इसी ट्राइंगल ए सी डी में देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज सी डी अपॉन में A, टेन अल्फा हमारा सी डी दी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बायस बी कॉस थीटा यहां से हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं तो दिस वाज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर तो बेटा इसमें रटने की जरूरत नहीं है ये कैसे भी हो सकता है बस आपको याद रखना जरूर नहीं कि ऐसे ही हो हो सकता है कि ये इस टाइप से दे दें हम दिस इज वेक्टर ए एंड सपोज दिस इज वेक्टर बी तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो फिर से आपको बेटा रटने की जरूरत नहीं है आपको पता है जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा वो या तो टेल टू टेल या तो हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे तो आप इसको फर्दर extend kar dije, this angle theta will form between the angle between vector a and vector b now you drop a perpendicular from here this side will become b sine theta and this side will become b cos theta this length is a and again i am suppose assuming it uh, this is let a this is b this is c and this is d again the resultant this the length of ac द लेंथ ऑफ ए सी इज द रिजल्टेंट तो दिस ए सी वैक्टर इज आवर रिजल्टेंट वैक्टर सी तो फिर से अगर हम सी की मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो दिस सी का स्क्वायर पाइथागोरस से बन जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर और जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हमें फिर से मिलेगा सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी Cos theta. और फिर से रटने की कोई जरूरत नहीं है ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है एडिशन ऑफ वेक्टर अब आता है नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में अब देखिए तो सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम ए हमें वेक्टर बी को वेक्टर ए से सब्ट्रैक्ट करना है रिवर्स डायरेक्शन ऑफ दैट इज दिवर्स कर, कर दीजिए और इस नेगेटिव जब रिवर्स करेंगे डायरेक्शन तो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा और इस नेगेटिव वेक्टर को वेक्टर ए से ऐड कर दीजिए मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि सपोज वी है माइनस वेक्टर बी तो क्या इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी बिल्कुल लिख सकते हैं देखिए सेम क्वेश्चन है तो अब देखिए अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को सपोज दो वेक्टर दिए हुए इट इज अज्यूम दिस इज वेक्टर ए और कहीं पे हमारा होगा वेक्टर बी ये हमारा है वेक्टर बी अब हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले क्या करते थे कि ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी तो आप क्या करिए सबसे पहले इस वेक्टर बी को रिवर्स कर दीजिए इसका नेगेटिव ले लीजिए ध्यान से देखिए जब हम a plus b वेक्टर निकालते थे तो दिस वाज वेक्टर a और b के इनिशियल पॉइंट को हम a के टर्मिनल पॉइंट से कंसाइड कराते थे और जब इन दोनों का रिजल्टेंट लेते थे तो ये हमें मिल जाता था वेक्टर a वेक्टर b लेकिन हमें क्या चाहिए यहां पर वेक्टर a वेक्टर b तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर a नेगेटिव वेक्टर b तो जब इस वेक्टर को नेगेटिव करेंगे तो ये जस्ट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी तो इसका मतलब बेटा हमें अब वैक्टर ए को ऐड करना है ऑन दिस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को ऐड करना है तो लॉ uh, सेम रहेगा अब इस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी के इनिशियल पॉइंट को आप ए के टर्मिनल पॉइंट से कंसाइड करा दीजिए तो ये देखिए हम जस्ट इसको रिवर्स करके कंसाइड करा दिए एंड दिस बिकम्स नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी तो इसको हम अलग एक कलर से शो कर देते हैं this is negative vector B, negative vector B. तो अब ए और बी का resultant आपको ये वाला vector दे देगा, A के इनिशियल पॉइंट से नेगेटिव वेक्टर बी के फाइनल पॉइंट तक एंड दिस ए प्लस नेगेटिव इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर

तो थीटा वॉज बिटवीन, थीटा वॉज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जब बेटा ए और माइनस वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं तो अब जो हमें एंगल चाहिए वो वेक्टर ए और नेगेटिव और वेक्टर बी के बीच के एंगल चाहिए तो अब देखिए सब्स्टिट्यूट कर दिए तो अब यहां टेल ए का और वेक्टर माइनस बी का तो ये वाला जो एंगल बनेगा ट इज वन एट्टी माइनस थीटा ये होगा हमारा एंगल बिटवीन वैक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वैक्टर बी तो अगर हम एंगल पूछे वैक्टर ए और नेगेटिव वैक्टर बी के बीच का तो वो हो जाएगा वन एट्टी माइनस थीटा दिस विल बी देंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वैक्टर तो अब फिर से अगर हम इसको एड करना चाहें ध्यान से देखिए तो जो रिजल्टेंट वैक्टर आया था ए माइनस बी इसको एज्यूम कर लीजिए कोई नया वैक्टर वेक्टर ये देखिए वेक्टर वेक्टर ए, एंड दिस वाज बी अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेकिन हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए विच इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस नेगेटिव जब इसका नेगेटिव लेंगे तो ये वेक्टर बी जस्ट नीचे बन जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में ऑफ सेम मैग्नीट्यूड तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर बी तो ये दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमें रिजल्टेंट दे देगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अब देखिए इसका एंटीकल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ध्यान से देखिएगा दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ठीक है एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसको एज्यूम कर लेते हैं एज वेक्टर सब्रैक्शन वेक्टर ठीक अब देखिए ध्यान से वेक्टर ए आगे अगर शिफ्ट करें और वेक्टर ए को वेक्टर माइनस बी के टेल से कंसाइड करें तो ये वाला एंगल बन जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी तो देखिए ध्यान से ए और बी के बीच का एंगल थीटा था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वॉज थीटा तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन हमें यहाँ जो इस्तेमाल करना है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल चाहिए तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर जो बनेगा ये बनेगा माइनस थीटा तो दिस एंगल इज अगेन थीटा ठीक अब देखिए इसे साइड मानिए ए बी सी और अब सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ए बी पे ये एंड दिस पॉइंट को मान लीजिए डी तो अब फिर से देखिए इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी सी डी दिख रहा है आपको ट्राइंगल बी सी डी तो अब फिर से अगर आप यहां देखें कॉस थीटा तो थीटा बन जाएगा बेस दैट इज बी डी अपॉन हाइपोटनि बी सी तो यहां से आपका बी डी जो बन जाएगा वो आ जाएगा बी सी कॉस थीटा और BC के लेंथ मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी लेंथ की बात कर रहे हैं नेगेटिव तो कर रहा है तो थीटा सिमिलरली अगर साइन थीटा हम देखें तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा सी डी अपॉन बी सी और ये फिर से सी डी जो हमारा आ गया ये आ गया बी सी साइन थीटा अगेन बी सी का मैग्नीट्यूड तो बी है बी साइन थीटा तो अब आइए इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए सी डी ठीक है ए डी लेंथ देखिए क्या ए डी को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी डी बिल्कुल सही और ए बी का लेंथ है ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी डी हम निकाल चुके हैं बी कॉस थीटा उसी तरह सी डी की जो लेंथ है वो हमारा बी साइन थीटा तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर तो और का होल स्क्वायर जब इसको ओपन करेंगे तो ए सी स्क्वायर हमारा ए सी लेंथ क्या बन जाएगा एस का मैग्नीट्यूड एस वेक्टर का तो लेंथ एस स्क्वायर इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस टू ए बी थीटा तो यहां देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉ स्क्वायर मिलकर बी स्क्वायर बन जाएगा तो एस स्क्वायर हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा तो एस हमारा आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा दिख रहा है बिल्कुल सही अब एंगल देखिए फिर से हम रिजल्टेंट का एंगल ए वेक्टर से ही देख रहे हैं अल्फा रिजल्टेंट का एंगल ए वेक्टर से ही देख रहे हैं अल्फा तो अगर यहां लिखे हम tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज CD अपॉन AD तो so CD अपॉन AD तो so ये हमारा बन जाएगा b sin थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अब देखिए इसको हम ट्राइंगल लॉ वाले से याद रखेंगे देखिए ए और बी को जब ऐड कर रहे थे तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा था अब यहाँ ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल आ गया वन एट्टी माइनस थीटा तो अगर आपको रिजल्टेंट का फार्मूला अगर याद है तो उसी में केवल आप एंगल की वैल्यू को चेंज कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा जैसे अगर रिजल्टेंट जब हम सी निकाले थे तो सी स्क्वायर था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा ये आया कहाँ से था सी स्क्वायर हमारा आया था ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर जो आपको अब यहाँ पर बेटा ये तब था जब हम ए और बी को ऐड कर रहे थे अब अगर हम ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एक्चुअली अब हम ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल वन एट्टी माइनस थीटा है तो जहां जहां थीटा है वहां आप केवल वन एट्टी माइनस थीटा से रिप्लेस कर दीजिए तो जहां जहां वन एट्टी माइनस जहां जहां थीटा है उसको वन क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है चेंज की ओर डायरेक्शन हो रहा है तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आप 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दीजिए तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा ए प्लस बी कॉस वन माइनस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन वन माइनस थीटा का होल स्क्वायर तो यहाँ देखिए S इज इक्वल्स टू अब बेटा हमें पता है कि जो कॉस वन थीटा होता है कॉस वन एट्टी माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा और साइन वन एट्टी माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है तो ये बन गया ए माइनस स्क्वायर होगा ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसा आप डेरिवेशन में देख रहे थे और ये बन जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो यहां से एस स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा तो एस बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी थीटा ठीक है उसी तरह अगर एंगल में आप देखे थे तो टेन अल्फा जो मिला था ए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा ये तब था जब ऐड कर रहे थे सब करें जहां जहां थीटा वहां वन एटी माइनस थीटा रख दीजिए तो इस केस में जो मिलेगा टेन अल्फा साइन वन एटी माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा और नीचे ए प्लस बी कॉस वन एट्टी माइनस थीटा और कॉस वन एट्टी माइनस थीट माइनस कॉस थीटा होता है तो ये बन जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा तो आप डायरेक्टली जो सब्ट्रैक्शन है उसको एडिशन में केवल अगर एंगल की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको सब आंसर मिल जाएगा क्लियर है बहुत ही आसान है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स तो डेरिवेशन और आपको हम दोनों तरीका बता दिए कि केवल एंगल शिफ्ट करिए आपको आंसर मिल जाएगा मीट टीम संख्या राहुल सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं शिवम सर मैथमेटिक्स मी फिजिक्स एंड प्रीनाम मैम बायोलॉजी दे आर एक्सलेंट टीचर्स इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स तो अगर आपको और किसी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखना है तो आप संख्यान के ऑफिशियल पेज पे को फॉलो कर सकते हैं और इनके लेक्चर्स को देख सकते हैं संख्यान लाइव क्लासेस के बेनिफिट्स भी देख लीजिए आप एक्सेस टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसको हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं यू ट्राई टू गिव यू लाइव ऑनलाइन क्लासेस बट इनकेस you have missed any classes or you are unable to attend any class you can uh, view those lectures in form of recordings second online tests and examinations हम लोग टाइम टू टाइम ऑनलाइन टेस्ट और एग्जाम्स लेते रहते हैं जिनका रिजल्ट भी इंस्टेंटेनियस होता है आप जैसे एग्जाम देते हैं आपको रिजल्ट वैसे ही मिल जाता है फिर नेक्स्ट क्लास में हम उस टेस्ट के डिस्कशंस ले लेते हैं डाउट्स ले लेते हैं जो कोई कॉन्सेप्ट्स मिस हो चुके हैं या फिर आप भूल चुके हैं उनको इसके थ्रू आप उनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तीसरा हमारा स्टडी मटेरियल्स है वी प्रोवाइड स्टडी मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम वी प्रोवाइड डी पी पीज फॉर रेगुलर स्टडीज एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कशंस ऑन दर डी पी पीज डाउट डाउट किसी भी क्लास के बाद आप अगर उस क्लास में डाउट है तो आप उसको क्लास के बाद पूछ सकते हैं या कभी पूछ सकते हैं वी ऑफर मैक्सिमम सपोर्ट टू आर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स न केवल क्लास में डाउट पूछते हैं वो क्लास के बाद या कभी भी अगर हम फ्री होते हैं तो हम उनको डाउट सॉल्व करते हैं उनके डाउट्स को रिमूव करते हैं दिस इज प्रोग्राम ऑफर्ड बाय अस फ्रॉम क्लास नाइन टू क्लास ट्वेल्थ दीज आर द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोग्राम्स वी प्रेफर फोर ईयर क्लास प्रोग्राम थ्री ईयर क्लास प्रोग्राम टू ईयर क्लास प्रोग्राम एंड वन ईयर क्लास प्रोग्राम फॉर क्लास ट्वेल्थ करंट स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर ड्रॉपर्स बैच हुए पास क्लास ट्वेल्थ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आते रहे वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे आप हमारे पेज को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ है तो वो हम फेसबुक पे शेयर कर देते हैं आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं संख्यान डॉट इन इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट देन यू कैन डायरेक्टली कॉल अस एट ऑल द थ्री नंबर्स प्रोवाइडेड अबव थैंक यू वेरी मच